गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग विथ मी रिशिता। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बेंगली लोग के एक स्पेशल डे है, वो है पहला बैशाख। तो सब बेंगली फ्रेंड्सদের জন্য শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা। সবার এই বছরটা খুব ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক। তো अभी टाइम हो गया 10 o'clock और मेरा नहाना जो काम करती हूँ थोड़ा बहुत वो हो गया है। और यहाँ पे रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बैंगलोर से यहाँ का मतलब सब कुछ अलग है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। तो थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करती हूँ मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत दिन से कोई ब्लॉग नहीं बन रहा है, कोई फुल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, लेकिन सोची कि आज पहला बैशाख है तो आज बनाती हूँ। और यूजुअली घर में थोड़े बहुत लोग ही हम लोग रहते हैं, लेकिन आज मेरे ननद लोग आएंगे तो घर पूरा भरा भरा रहेगा, तो ब्लॉग आप लोगों भी एंजॉय करेंगे, तो इसलिए आज ब्लॉग बनाऊंगी। और पाई अभी 9 बजे ही उठा है तो उसका ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म हुआ है जस्ट। और यहाँ पे खाना बन रहा है और आज का मेनू है फ्राइड राइस, मटन कौशा, बैगन भाजा, पोटल भाजा एंड सलाद। और पाई के लिए बनेगा मटन स्टू। और दीदा के आज व्रत है, एकादशी का व्रत, तो उनके लिए बनाया जाएगा दलिया। तो यही है आज का मेनू सबके लिए। और माँ सब रेडी करके नहाने गए हैं एंड मीनवाइल मैं मटन कौशा बना रही हूँ, यही चल रहा है। और अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में है मूढ़ी, जो आप लोग पाफ्ड राइस भी बोलते हैं और मुरमुरा भी बोलते हैं। तो उसके साथ है अनियन पकौड़ा, जो हम लोग का बहुत पसंद का एक ब्रेकफास्ट है। फिर हम आ गए छत पे क्योंकि अभी पाई को नहलाना है और आज उसके डैडा उसको नहला रहे हैं और मैं कर रही हूँ वीडियो। और ये है हम लोग का छत और वो देखिए वहाँ पे पाई नहा रहा है, नहा नहीं रहा है, उसके डैडा उसको नहला रहा है। और चलिए हम चलते इससे भी ऊपर जहाँ पे है बहुत सुंदर एक चीज़, और वो है हम लोगों का गार्डन। हम लोग बेंगली में इसे छत बागान भी बोलते हैं क्योंकि ये बागान छत पे है। आप बोल सकते हैं ये दीदा के गार्डन है क्योंकि इतने सारे जो प्लांट है इस गार्डन में, ये पूरा गार्डन का देखभाल दीदा ही करते हैं। मतलब सब प्लांट का देखभाल करना, ट्रिमिंग एंड वाटरिंग, पूरा मेंटेन जो करना होता है वो दीदा ही करते हैं। सुबह उठ के छत पे आ जाते हैं, फिर ये प्लांट लेकर ही रहते हैं। इसमें शायद उनको बहुत सुकून मिलता है क्योंकि उनका एज 80 इयर्स हो गया है, फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं रहे अभी, लेकिन मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। और ये उनका पैशन बोल सकते हैं आपके, कुछ भी हो जाए उनको छत पे आना है। और इतना गर्मी में धूप में भी उनको यहाँ पे इतने टाइम रहना है और ये प्लांट का देखभाल करना है, ये प्लांट ही उनका सुकून बन गया है। और यहाँ पे देखिए पाई महाराज मस्ती कर रहे हैं नहाने के टाइम में। मेरे साथ उतना मस्ती नहीं होता है, आज उसके डैडा नहला रहा है इसलिए ज़्यादा मस्ती चल रहा है। ये देखिए ये है हमारा ठाकुर घर और मंदिर। तो गाइस ये रहा हमारा छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा मंदिर, जहाँ पे सुकून भी है और शांति भी है। तो घर में सब लोग आ गए हैं, दीदी, जीजू एंड हिया। और
पाई भी बहुत मस्ती कर रहा है उसके पिन्नी पीशोम और दी भाई के साथ। और पाई भी घर में अकेला ही रहता है तो जब हिया आती है बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत खेलने को मिलता है। और पिन्नी पीशोम के साथ भी वो बहुत इंजॉय करता है क्योंकि जीजू उसे घुमाने लेके जाते हैं बाइक से, तो पीशोम भी बहुत फेवरेट हो गया है उसका। और वैसे भी घर में कोई भी नहीं रहता है, घर पूरा खाली खाली ही रहता है, सब लोग के आने से घर थोड़ा भरा भरा होता है, थोड़ा हंसी मजाक होता है तो अच्छा भी लगता है ना। मेनू भी फ्राइड राइस, बैंगन भाजा और मटन और तुम्हें एक दिन दिया है फोटो में। तो अभी पाई और हिया दोनों लंच कर रहे हैं और उसके बाद बाकी लोग करेंगे। और पता है कि ठीक नहीं है ये, लेकिन पाई को खिलाने के टाइम हम लोग उसे फ़ोन देते हैं देखने के लिए। यहाँ पे फ़ोन देखता है, बैंगलोर में टीवी देखता है, लेकिन लेना पड़ता है नहीं तो वो नहीं खाता है, तो क्या करे। और यहाँ पे दीदा अपने लंच कर रहे हैं क्योंकि आज उनका व्रत है, तो वो घर में अलग से कर रहे हैं क्योंकि बाहर मटन वगैरह हुआ है तो उन्हें थोड़ा अनइजी फील हो रहा था। और अभी सब लोग खा रहे हैं, मतलब दीदी, जीजू और मेरे पति जी। और कुछ भी ओकेशन हो तो यही अच्छा लगता है कि सब मिलके रहते हैं, सब मिलके खाते हैं, मज़ा करते हैं, तो वही अच्छा लगता है। की होच्छे? तुम्हारे की होच्छे? We are watching phone. You are watching phone. This one. This one. This one. सब लोगों का लंच हो गया है और अभी पाई को सुलाएंगे और मैं, माँ और बाबा एक साथ लंच कर लेंगे। तो हम लोग सब सो के फ्रेश होके निकल गए हैं। अभी टाइम है 6:00 इन द इवनिंग और हम जा रहे हैं जंक्शन मॉल, जो दुर्गापुर में एक ही बड़ा मॉल है वो है जंक्शन। और ये हम जहाँ से जा रहे हैं वो है हम लोगों का मेन मार्केट, बेनाचिती मार्केट। ओ एखाने ट्रेन शुरू और इस बार आके दुर्गापुर को नई तरीके से देख रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, तो दुर्गापुर तो सुंदर शहर था ही लेकिन और भी सुंदर लग रहा है। एंड फाइनली हम पहुंच गए जंक्शन मॉल में। और हम लोगों के साथ माँ पहली बार आए हैं यहाँ पे, कभी नहीं आए हैं, तो वो भी बहुत खुश है और पाई भी बहुत खुश है और हम सब भी बहुत खुश है। पहला बैशाख के वजह से बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है अंदर। और एक एग्जीबिशन भी था शायद हैंडक्राफ्ट मटेरियल का, तो अच्छा था माहौल अंदर में। हिया के लिए हम लोग को कुछ खरीदना था और माँ भी पाई के लिए कुछ खरीदना चाहते थे, तो हम लोग पैंटलून्स में आ गए। हम लोगों को जो लेना था लेके हम पहुंच गए फूड कोर्ट में क्योंकि पाई को बहुत भूख लग गया था, मतलब
₹200 का वाटरमेलन जूस खरीदना पड़ा हम लोगों को। तो आज हम लोग सब मिलके खा रहे हैं मोमो सीजलर, दार्जिलिंग मोमो सीजलर विथ नूडल्स, एंड सबको बहुत पसंद आया। और पाई के लिए ऑर्डर दिए थे मोमो बर्गर, तो वो बर्गर भी खा रहा था, नूडल्स भी खा रहा था। तो हम लोग का डिनर ऑलमोस्ट हो गया वहाँ पे ही। बहुत दिन से ठीक से ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती आप लोगों से, बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हम लोग वापस आ गए और लास्ट में पाई राइड कर रहा था। तो यही है आज का ब्लॉग, यही तक है। होप आप सब लोग को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द जस्ट कुकी लाटी। आई लव यू ऑल, बाय बाय।